Hello, students. Welcome back to my YouTube channel, English Classes by Sanjeev Sukla. Boys, this is part third of the lesson, A Girl with a Basket by William C. Douglas. In today's video lecture, we are going to learn how to answer. Questions to answer a question is an art. To answer a question is an art, is an art. Whereas every question demands a specific आंसर। आंसर ओके, इस 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 लेसन में हम पार्ट पार्ट के जो इस पार्ट पर जो पर आधारित टाइप क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ एक कला भी सीखेंगे कि किस प्रकार हमें प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है और हम कैसे जानें कि किस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है हमसे इसको हम सीखेंगे चलते हैं आगे अगली स्लाइड पर so as in this slide you see different kind of <coughs> interrogative words like for example you see here what why who how which when where whom how whose so you see here uh, the interrogative words and each interrogative word requires or demands particular type of answer the demand uh, in other words the demand of

चीजों के बारे में जब हमें प्रश्न पूछना होता है तो हम वट का यूज करते हैं वट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट थिंग्स व्हाट इज दिस व्हाट इज द टाइम ओके द्ट इज योर नेम जब चीजों के बारे में पूछना हो हमें किसी के बारे में जानकारी लेनी हो नेक्स्ट वाई डब्ल्यू एच वाई वाई आर यू मैड तुम पागल क्यों हो अर्थात वाई का यूज कारण जानने के लिए रीजन जानने के लिए देखिए वाई इज यूज टू आस्क फॉर रीजन कारण जानने के लिए इसी प्रकार हु इज जोज टीचर जो का टीचर कौन है हु का प्रयोग हु इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल हु का प्रयोग लोगों के बारे में जानने के लिए लोगों का नाम जानने के लिए जैसे हु इज योर फादर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोले हु किल्ड रावण तो आप कहेंगे राम किल्ड रावण जो हु से प्रश्न होगा तो वहाँ तो पे आपको तो निश्चित तौर पे किसी व्यक्ति का नाम मेंशन करना होगा या किसी नाउन को बतलाना पड़ेगा हाउ आर यू नेक्स्ट है हाउ हाउ इज यूज टू आस्क अबाउट ए कंडीशन फॉर द बे समथिंग इज डन किसी की स्थिति को अवस्था को जानने के लिए हाउ का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज की या व्यक्ति की या

मान लो वहाँ पे दो कार खड़ी हुई हैं दो दो से अधिक कार खड़ी हुई हैं तो आप कहेंगे द ब्लू वन इज माइन जो नीली वाली है वो मेरी है और अदर अदर दूसरी जो ब्लैक है दैट ब्लैक कार इज नॉट माइन वहाँ पे आप एक चूज करना पड़ रहा है चूज करना तो इसका जो चॉइस की जब बात होगी कोई एक चीज़ चुनना होगा स्पेसिफाई करना होगा तो इसका प्रयोग करते हैं ऐसा आंसर देना पड़ता है आपको किसी चॉइस में से एक को चुनना पड़ता है वैन इज डिनर वेन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम वहन का जो प्रयोग है वो समय के लिए किया जाता है वेयर इज द कैफे प्लेस के लिए किया जाता है आपको जब वेयर से क्वेश्चन किया जाए तो आपको आंसर में प्लेस देना पड़ेगा वेयर इज यूज टू आस्क अबाउट प्लेसेस और डायरेक्शंस दिशाओं के बारे में पूछता है प्रश्न दिशा संबंधी या स्थान संबंधी प्रश्न पूछा जाता है इससे हुम डिड यू गिव द पैकेज टू जो हु है वो सब्जेक्टिव केस में जब भी आप हु से प्रश्न करेंगे तो आपको हु की जगह सीधा रिप्लेस करना पड़ेगा जैसे हु किल्ड रावण तो आपने आंसर में आपका क्या होगा राम किल्ड डरावर हु की जगह आपने राम रख दिया अर्थात तो हु क्या सब्जेक्टिव केस है जब हु से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सब्जेक्टिव तो केस में आंसर देना होगा जो आप अपना उत्तर रखेंगे उसकी जगह जिस वर्ड को रखेंगे वो किसान को सब्जेक्टिव केस में होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा सब्जेक्ट इस तरह होगा होम हुँ क्या है उसका ऑब्जेक्टिव केस है होम डूड यू गिव द पैकेज टू तुमने जो पैकेज है वो किसको दिया तो आंसर में आप देंगे आई गेव द पैकेज टू राम श्याम मोहन

क्या है एडजेक्टिव यूज़ किया गया है उसके साथ कॉम्बिनेशन में है तो उसकी डेंसिटी को देखने के लिए उसकी डिग्री को देखने के लिए कि वो कितना बेसी है ना कम की ज़्यादा आपकी ये डिग्रीज कहलाएगी इसी प्रकार हुज कैट इज आस्क हु इज द ऑनर ऑफ समथिंग हु का प्रयोग किया जाता है हुज का प्रयोग किया जाता है कि, कि किसी चीज़ का कोई कौन स्वामी है कौन मालिक है आपको हल्का पर ध्यान देना पड़ेगा अब चलते हैं हम क्वेश्चन वेयर वाज द राइटर गोइंग फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट हाउ डिड ही ट्रेवल इसमें देखिए पहला क्या वेयर वाज द राइटर गोइंग वेयर से पूछा कि किस जगह को जा रहा था राइटर राइटर गोइंग टूर गोइंग कहाँ जा रहा था तो हम क्या करेंगे ये जो फॉर्म दिया गया है बेटा इंटरव्यूटिव फॉर्म देखो डब्ल्यू एच वर्ड है और उसके बाद आ, आपका वर्ब लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट लेकिन इसको आपको आंसर आंसर देते समय एसर्टिव बनाना पड़ेगा क्या देखिए एसर्टिव में क्या होता है सब्जेक्ट पहले आता है द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत अर्थात लेखक नई दिल्ली से रानीखेत जा रहा था अब यहाँ पे कॉमा लगा के रानीखेत की उन्होंने क्या कर दी व्याख्या रानीखेत के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी ये फ्रेज एंड एपोजिशन कहलाता है जब कोमा लगा के हम किसी दूसरे ये किसी इस नाउन की ये विशेषता बता रहा है ये फ्रेज एंड एपोजिशन कहला हिल स्टेशन ऑन द हिमालय रानी खेत जो कि क्या है एक हिमालयास पे हिल स्टेशन है पहाड़ी स्थान है

कि इसमें जो टेंस है टेंस को सेम रखा जाता है एक ही रखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन विलियम सी डगलस वास ट्रेवलिंग बाई देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है इंटरव्यूटिव मार्क नहीं लगा हुआ है यहाँ पे गिफ्ट से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपसे कहा जा रहा है आपसे इसमें कह सकते हो आप, आप एडवाइस की जा रही है जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है वो तो आपसे पूछ रहा है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन डब्ल्यू सी डगलिंग बाई उस ट्रेन का वर्णन कीजिए जिससे डब्ल्यू सी डगल यात्रा कर रही थी आपको यहाँ पर ट्रेन के बारे में बताना पड़ेगा द ट्रेन बाई विच रेलगाड़ी जिससे की डब्लू सी विलियम सी ट्रैवलिंग यात्रा कर रहे थे तो बाज uh, ए स्लो मूविंग ट्रेन एंड एंड इट स्टॉप्ड यहाँ पे इट आप लोग अपनी तरफ से डाल लीजिएगा एंड इट स्टॉप यहाँ पर आप लोग इट अपनी तरफ से डाल दीजिएगा अर्थात वह गाड़ी जिससे डब्ल्यू सी जगह से यात्रा कर रहे थे धीमी चलने वाली गाड़ी थी और रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी यहाँ पे भी आप चाहें तो कौमा लगा दें आप और यहाँ

सो आंसर इज विलियम सी डगलस गॉड डाउन नीचे उतरना उतरना फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट अपने डिब्बे से एट एवरी स्टॉपेज हर एक ठहराव पर ट्रेन के हर एक ठहराव पर फुल स्टॉप ही टॉक टू पीपल ऑफ एवरी क्लास टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन वह लोगों से बात करता था हर एक प्रकार के लोगों से हर एक क्लास के हर एक वर्ग के लोगों से किस किस बात के लिए उनकी भावनाएं जानने के लिए राष्ट्र की भावना राष्ट्र किससे मिलकर बना हम लोगों से मिलकर बना पीपुल्स सिटीजन से बनाजन की वो सिटीजन से इंडियन सिटीजन से बात करता था आ, किसी इस इंडिया के बारे में जानने के लिए ऑन इज वे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानी चित यहाँ पे अगेन देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यहाँ पे भी आपको इंपरेटिव सेंटेंस के तौर पर डिस्क्राइब वर्णन कीजिए जैसे कहते गो देयर कम हेयर उसी तरीके डिस्क्राइब वर्णन कीजिए लिखिए द थिंग्स उन चीज़ों को उन दृश्यों को जिन्हें लेखक ने रास्ते में नई दिल्ली से रानी खेत के बीच में देखा आंसर ऑन हिज वे न्यू न्यू दिल्ली टू रानी खेत द राइटर्स प्लेटफॉर्म्स ओवर क्राउडेड विद द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड ट्रेड्स है ना हर प्रकार की जाति के लोगों से हर प्रकार के जो आ, काम करने वाले लोगों से हर वर्ग के काम करने कर्मचारियों से काम करने वालों से द रिच प्लेन्स ऑफ गंगा गंगा का जो समृद्धशाली मैदान है वो डीप थिक फॉरेस्ट गहरे जंगल देखे विद वाइल्ड एनिमल्स उनमें जंगली जानवर और जो घर बने हुए थे वो मड बाल से वैसे घर देखे ये शॉर्ट में ही आपको आंसर देना तीन शब्दों में देना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वाट डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन एट वन ऑफ द डिस्टर्ब चीज ने डिस्टर्ब कर दिया जो लेखक की कंटिन्यूटी थी कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा था स्टेशन पर उतर के लोगों से बात कर रहा था लेकिन एक स्टेशन वो लोगों से कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर पाया उसकी वजह क्या थी लेखक के लोगों से वार्तालाप स्टेशन किस रात ने भंग किया कौन सी चीज ने नहीं करने दिया एट वन ऑफ द स्टेशन ए ग्रुप ऑफ यंग रिफ्यूजी चिल्ड्रन हु

वट इन्फॉर्मेशन ड राइटर गिव्यू अबाउट दम उनके बारे में लेखक क्या आपको जानकारी देता है हुए बच्चे जो टोकरी बेच रहे थे वो कौन थे शरणार्थी बच्चे थे देवर द डॉटर्स ऑफ दीपल हुर कंपेल्ड टू रन अवे फ्रॉम पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ आर्टिस्टन क्या बता क्या इन्फॉर्मेशन दी थी लेखक ने कि ये उन लोगों के पुत्र और पुत्रियाँ थे जो जबरन जिन्हें मजबूर होना पड़ा था पाकिस्तान से भागने के लिए बंटवारे के समय क्लियर है एट द टाइम ऑफ दार्टीसन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज़ द पिटिएबल कंडीशन पब्लिक प्लाइट ऑफ दीज ऑफ द रिफ्यूजीज व्हाट व्हाट वर दे डूइंग फॉर लिविंग पिटिएबल रिफ्यूजी फॉरबल मीन वाज पिटिएबल जिस पर दया दिखाई जाए दयनीय जो वट वॉज द पिटिएबल कंडीशन ऑफ यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे वट वॉज द कंडीशन यहाँ पे वाइट हटा लेंगे बेटा इस क्वेश्चन ही थोड़ा गलत फ्रेम हुआ है हल्का सा यहाँ क्या करेंगे जो पिटीएबल शब्द हटा लेंगे यहाँ आंसर में देना था इसको वट वॉज द कंडीशन और प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज व्हाट जो आपके रिफ्यूजीज थे शरणार्थी थे उनकी दशा कैसी थी शरणार्थियों की दशा कैसी थी प्लाइट का मतलब वो कंडीशन से ही होता है व्हाट वर दे डूइंग फॉर लिविंग आजीविका के लिए वो क्या कर रहे थे तो आंसर द कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजीज वॉज वेरी पिटीएबल अर्थात जो शरणार्थियों की दशा बड़ी दयनीय थी फॉर अ लिविंग आजीविका के लिए रोजी रोटी के लिए देवर मेकिंग सिंपल आर्टिकल्स एंड सेलिंग देम इन द मार्केट वो क्या कर रहे थे आजीविका कमाने के लिए छोटे-छोटे आइटम बना रहे थे और मार्केट में बेच रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट फैक्ट डिड राइटर डिस्कवर अबाउट द प्रेजेंट रिफ्यूजीज जो शरणार्थियों में जो कृषक थे प्रेजेंट थे फार्मर प्रेजेंट फार्मर थे उनके बारे में

इसमें ये पूछ रहा है कि एक किसान विलियम सी डगलस के अनुसार एक किसान परिवार की औसत सालाना आमदनी कितनी थी है नहीं थी उस समय जो आपके लेसन में जिक्र किया गया है अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली वाज नॉट मोर देन 100 डॉलर्स कैसी मोर द एनुअल इनकम सालाना एनुअल का मतलब सालाना मंथली का मतलब मासिक

अटेंशन मोस्ट एंड वाई ये लेसन इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है कौन सी फेरी वाले बच्चे ने लेखक को सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया और क्यों ए नाइन ईयर ओल्ड ब्यूटीफुल गर्ल ड्रू देखिए जब क्वेश्चन की ड्रू सो अगेन ए नाइन ईयर ओल्ड ब्यूटीफुल गर्ल ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट बिकॉज सी वॉज अर्नेस्टली प्लीडिंग एंड बैगिंग विद टीयर्स इन हराइज़ नौ वर्षीय एक सुंदर लड़की ने लेखक का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया क्योंकि वह बड़ी ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी तथा आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना कर रही थी खरीदने के लिए किस बात से लेखक को अनुभव हुआ कि उसने टोकरी न खरीदकर और बदले में एक उपहार देकर उस लड़की के साथ अनुचित व्यवहार किया है

वाट फोर्थ द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट कौन सी बात ने लेखक को छोटी सी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए विवश कर दिया द लिटिल गर्ल रिटर्न द ग्रेचुटी गिवन बाई द राइटर छोटी लड़की ने लेखक के द्वारा दिए गए दान को लौटा दिया सो ही वाज फोर्स टू बाई द बास्केट यथा इसलिए लेखक को वो टोकरी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा विवश होना पड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन दो हजार बारह अठारह में आ चुका था पिछले ये क्वेश्चन भी आपका तीन बार आ चुका है why did millions of people leave pakistan for india अथवा what misery did partition between india and pakistan cause to the people क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे ने लोगों को किस मुसीबत में डाल दिया अथवा लाखों व्यक्तियों ने भारत आने के लिए पाकिस्तान क्यों छोड़ा at the time of partition millions of people left pakistan for india due to the fear of religious persecution they became homeless and penniless विभाजन के समय लाखों व्यक्तियों ने धर्मांतरता के कारण भारत आने के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया बिना घरवार और बिना पैसे के हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई did the writer fall in love with India भारत लेखक भारत से प्रेम क्यों करने लगा द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन प्रोवर्टी दिस वाज द रीजन ही लव्ड इंडिया लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीबी में भी

डगलस ने प्रधानमंत्री को कौन सी कहानी सुनाई इसमें है द स्टोरी ऑफ नाइन ईयर ओल्ड चाइल्ड की बच्ची की कहानी जिसने लेखक को उसका धन वापस कर दिया था प्रधानमंत्री प्रधान को उन्होंने वही कहानी वही घटना सुनाई थी ओके okay, बॉयज आप इनको पॉज करके लिख सकते हैं और आप लोग अपने अंदर डेवलप करना आंसर देने की कला डेवलप कीजिए क्योंकि एक तो होता है हमने आपको बार बार भी बताया था जब एक्सप्लेनेशन के दौरान हम बता रहे थे कि एक होता है पक्ष थाट आइडियाज कितना आप उस लेसन को पढ़े हैं बार बार कितना आप सीख पाए हैं और फिर जो, जो जब शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें क्या पूछा जा रहा है यदि आप लेसन को सही ढंग से उसके कंटेंट को पढ़े हैं उसकी घटना जो लेसन में घटनाएं घटनी उनको समझे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें यहाँ पे आप आंसर उसका दे लेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेज में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा खूब ओके बॉयज थैंक यू Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe my YouTube channel. Good luck.